हेलो गाइज, वेलकम टू दिस वीडियो। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि विंडो पीसी और लैपटॉप अगर स्पीड अप करना है तो क्या करें। सबसे पहले हमें विंडोज आर की दबाना है, उसमें परसेंटेज 10% टाइप करके ओके दबाना है। तो ये सारे के सारे जो टेम्पराइज फाइल्स है वो सारे को सबको डिलीट करना है, इसलिए कंट्रोल ए दबा के हमें सब जो टेम्पराइज फाइल्स है सिलेक्ट करके डिलीट के दबा के डिलीट करना है। इसमें जो फ्री स्पेस हो जाएगा उसमें थोड़ा सा स्पीड बढ़ेगा। इससे क्या होगा, जो अननेसेसरी स्टोरेज आपका नहीं हो पाएगा। उसके बाद स्टेप टू में आप लोग को विंडो और लैपटॉप और पीसी में सेटिंग में आना है। सेटिंग में आने के बाद वहाँ पर एक ऑप्शन है स्टोरेज, स्टोरेज को क्लिक करना है। स्टोरेज के अंदर स्टोरेज सेंस एक ऑप्शन है, वो ऑफ रहता है, उसको ऑन करना है। ये जो है ये ऑटोमेटिकली फ्री कर देता है, जो टेम्प्रेरी फाइल्स फ्री स्पेस सब कुछ इसमें ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा। सो इट्स रियली इजी एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।